नमस्कार, पापा मम्मी किचन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैदू बड़े। वैसे तो मैदू बड़े बनाने के लिए दाल को 2 से 3 घंटा तक भिगाया जाता है, उसके बाद में दाल पीस करके मैदू बड़े बनाए जाते हैं। पर मैं आज आपको इजी तरीके से मैदू बड़ा बनाना बता रही हूँ, जो आपको दाल भिगाना भी नहीं पड़ेगा और झटपट मैदू बड़े बन के तैयार हो जाएंगे। और मैदू बड़े उसी की तरह बाहर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉफ्ट भी होंगे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। आइए मैदू बड़ा बनाना शुरू करते हैं। मैदू बड़े बनाने के लिए हमने 2 कप सूजी ली है। ये वही सूजी है जिससे हम उपमा बना करके तैयार करते हैं। इसके लिए आपको पतली सूजी लेने की ज़रूरत नहीं है, पर यदि आपके पास पतली सूजी है तो वो भी ले सकते हैं। अभी इसमें हम 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लगभग हमने साफ धो करके उसको छोटा छोटा काट लिया है, वो भी इसमें डाल देते हैं। धो करके छील के डालें कभी भी। और 2 हरी मिर्ची को हमने साफ धो करके छोटा छोटा काट लिया, इसे भी ये भी इसमें मिक्स कर देंगे। 10 से 15 कड़ी पत्ते हैं जिसको हमने इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है। काट के डालेंगे इसमें तो कड़ी पत्ते की ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी, तो आप कभी भी कड़ी पत्ते इसमें काट के डालें। 2 टेबल स्पून लगभग हमने हरा धनिया लिया है, वो भी इसमें मिक्स कर देते हैं। इसी के साथ 1/2 चम्मच हमने साबुत धनिया को दरदरा पीस लिया है, ये दरदरा किया हुआ साबुत धनिया है। 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अब सभी को एक साथ में मिक्स कर लेते हैं। अभी इसका बैटर बनाने के लिए हमने 1 कप दही लिया है। आपके पास यदि खट्टा दही हो तो खट्टा दही भी ले सकते हैं, और फ्रेश जमा हुआ दही हो तो वो भी ले सकते हैं। ये हमने फ्रेश दही लिया है, ये भी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं और इसको अच्छे से हिला देते हैं। अभी इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा हमारे को। ये दही वाले बाउल में हमने पानी ले लिया है और लगभग 2 टेबल स्पून पहले पानी डाल देते हैं, फिर हिला करके देखते हैं, और ज़रूरत हुई तो और पानी डालेंगे। अभी इसमें लगभग 1 टेबल स्पून जितना पानी हमें और डालना पड़ेगा। कुल मिला के हमने 3 टेबल स्पून पानी इसमें डाला है। एक बार अभी इसको हाथ से हिला करके देख लेते हैं बराबर। वैसे बैटर बराबर बन के तैयार हो गए हैं। इसमें हमने 1 कप दही डाला था और 3 टेबल स्पून ऊपर से हमने पानी डाला है। ये हमारे बैटर वड़े के लिए बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। अभी इसको हमारे को भिगाने के लिए रखने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी इसके हम वड़े बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम तेल को गर्म रख देते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और गैस को चालू कर देते हैं। अभी तेल हमारा लगभग गर्म हो गया है, अभी हम बैटर को एक बार वापस देख लेते हैं। अभी लास्ट में इसमें हम 1/4 चम्मच मीठा सोडा डाल देते हैं। ये मीठा सोडा आप जिस समय बनाना शुरू करें उसी समय आप डालें, और इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं, लगभग 1 चम्मच के जितना, जिससे बैटर में सब जगह अच्छे से फैल जाएगा। ये मीठा सोडा बैटर में अच्छे से लग जाता है, तब बैटर काफ़ी फ्लफी हो जाता है। एकदम बैटर एकदम से फ्लफी हो गया है। ये अच्छे से हिला दें इसके अंदर। पूरा मीठा सोडा को हमने अच्छे से हिला दिया है। अभी मैं आपको बताती हूँ आप किस तरह से बड़े बना करके तैयार करें। मैदू बड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम हमारे हाथ में थोड़ा सा पानी लगा देंगे इस तरह से, और ये भी हाथ गीला कर लेंगे। फिर थोड़ा सा हम जितने बड़े मैदू बड़े आपको बनाने हैं उस तरह से आप इसको लोई को उठा लें ऐसे, और हाथ में इस तरह से ले लें। अच्छे से गोल आकार बना लें इसका, और हाथ गीला करके थोड़ा सा इसके बीच में अच्छे से होल कर लें। आप देख पा रहे हैं इस तरह से होल बना के तैयार कर लें और मैदू बड़े का आकार एकदम से गोल गोल कर लें। अभी हम तेल को देख लें, तेल हमारा पूरा गर्म हो गया है। थोड़ा सा हम इसमें लोई डाल करके देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे हमने डाला है लोई, वो बराबर इसमें पक रहा है, तेल आ गया, गर्म हो गया है। अभी इसके अंदर हम ये मैदू बड़ा धीरे से डालेंगे। ये ध्यान रखें तेल गर्म होता है इसलिए धीरे से डालना है आपको। फिर हम इसी तरह से हाथ में पानी लगा देंगे थोड़ा सा, और एक लोई इस तरह से बनाएंगे। हल्का सा गीला हाथ करके आप इस तरह से इसको फैला सकते हैं, और थोड़ा गीला करके अंगुली को ऐसे होल बना दें इसमें, और फिर वो तेल में डाल देंगे। जैसा जैसे मैदू बड़े पकने लग जाते हैं वो हल्के होकर के ऊपर आने लग जाते हैं, दोनों तरह से उलट पलट के हम इसमें फ्राई कर लेंगे। इन मैदू बड़ों को कभी भी आप तेज़ आँच में फ्राई नहीं करें,
ये हमने मीडियम आँच पे रखा है, ये ज़्यादा तेज़ आँच में रखेंगे तो बाहर से ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप देख पा रहे हैं हमारे वड़े फ्राई होकर तैयार हो गए, इनका कलर बहुत अच्छा आया है, इसी तरह का लाइट गोल्डन कलर आना चाहिए, फिर बड़े कच्चे नहीं रहते हैं, अच्छे फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं। अभी इनको हम बाहर निकाल देंगे और बड़े काफ़ी फ्लफी बनी है एकदम से। अभी बड़े आप देख पा रहे हैं अच्छे से फूल गए हैं। इस तरह से हमारे सभी मैदू वड़े बन के तैयार हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दिखने में भी। एक मैदू वड़ा मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है, आप आवाज़ सुन सकते हैं, बाहर से बहुत क्रिस्पी है और तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, अंदर से आप देख पा रहे हैं बहुत सॉफ्ट है अंदर से, और देखिए बहुत ही फ्लफी है अंदर से। इसी तरह से मैदू वड़े अच्छे लगते हैं टेस्ट में, और आप देख पा रहे हैं अंदर तक भी अच्छे से पक गए हैं। इन मैदू वड़ों को बनाते समय आप एक दो बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में मैदू वड़े बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। पहली बात यह है, जब भी आप मैदू वड़े बनाएं तो उसमें आँच को आप हमेशा स्लो और मीडियम के बीच में रखें। यदि आप तेज़ आँच में फ्राई करेंगे तो मैदू वड़े बाहर से जल्दी पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, फिर वो खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे। दूसरा यह है, जब आप गोल बनाएं तो गोल ज़्यादा पतला नहीं बनाएं, जिस तरह का मैंने आपको बताया है उसी तरह का गोल बना करके तैयार करें तो आपके घर में मैदू वड़े बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। तो आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह के अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।